शरारती बंदरों का झुंड। एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर एक शरारती बंदरों का झुंड रहा करता था। वो शरारती बंदर हमेशा खाने की बर्बादी करके खुश होते थे। वो आधा खाते थे और आधा फेंक देते थे। कभी कभी वो पेड़ की टहनियों को भी तोड़कर उससे खेलते थे। जंगल के सभी जानवरों को ये बात पता थी। वो सब हमेशा चुप रहते थे, पर कभी उसे कुछ नहीं बोलते थे और ना ही कोई उनसे दोस्ती करता था। कुछ दिन बाद गर्मियों का मौसम आ गया, जिसके कारण जंगल के सभी तालाब और नदियाँ सूख चुकी थी और उनको पीने के लिए पानी नहीं था। बंदरों को प्यास लग रही थी, इसीलिए वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगे और जंगल के बहुत दूर चले गए। बहुत दूर सूरज की रोशनी से जमीन चमक रही थी। ये देखकर बंदरों को लगा कि वो तालाब है और वो वहाँ भाग कर आ गए। कुछ देर बाद वैसे ही उन्हें फिर से तालाब नजर आया और वो उस तरफ भागने लगे। पानी की तलाश करते करते वो यहाँ वहाँ भागने लगे। वो थक चुके थे, इसीलिए उन्हें अब और प्यास लग रही थी। उनकी जबान सूख चुकी थी और गर्मी के कारण उनका सर फटने लगा और उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। एक झाड़ के नीचे बैठकर वो आराम करने लगे। एक बंदर ने कहा, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो इस कड़क धूप में मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। दूसरे बंदर ने कहा, क्या करें? हर जगह हमें पानी तो नजर आता है, पर जब हम पास जाते हैं वो गायब हो जाता है। वहीं पेड़ के पास खड़के एक हाथी उनकी बातें सुन रहा था। वो उनकी मदद करने के इरादे से उनके पास आया और कहने लगा, मुझे तुम लोगों पर बहुत तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। क्या सूरज की चमक और पानी में तुम्हें फर्क नहीं पता? उस चमक को तुम पानी समझ बैठे? यहीं पास में एक तालाब है, वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा लो। हाथी की बात सुनकर एक बंदर को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, ओहो, ऐसा बोल रही हो जैसे तुम ही सबसे समझदार हो और हम तो यहाँ बेवकूफ खड़े हैं। इतना कहकर वो हाथी के ऊपर चढ़ गया और उसका गला पकड़ लिया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। हाथी जोर जोर से बोलने लगा, आज तक हमें इस जंगल में किसी ने भी सलाह नहीं दी और तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक के बाद एक सब बंदर उस पर कूद पड़े और उसे मारने लगे। हाथी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। बंदर जिस जगह हाथी ने कहा वहां तो नहीं गए, पर दूसरे दिशा में वैसे ही ढूंढते रहे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्खों को समझाना भी मूर्खता है। कुत्ते की चतुरता। एक दिन एक कुत्ता घूम के जंगल आ गया। वो बहुत चतुर था, फिर भी वो जगह नहीं होने के कारण किस क्षण में कहां से कतरा आ जाए करके भयभीत हो रहा था। उसकी संदेह के आधार पर एक बड़ा शेर उसकी तरफ आ रहा था। अचानक उसकी सांसें रुक गई। समझो, शायद आज ही मेरा आखिरी दिन होगा, इस जंगल में घूम के प्राण पर ले लिया, बोल के उसकी तरफ आ रहे शेर को देख डरने लगा। तभी उसके आसपास कुछ हड्डियाँ दिखे। तुरंत उनसे उसके दिमाग में मस्त विचार आया। उन हड्डियों में एक को खाते हुए उसकी नजदीक आ रहे बड़े शेर को देख कहा, वाह, शेर का मांस बहुत स्वादिष्ट है, मैं अब तक इतनी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। पेड़ के पीछे शेर सब कुछ सुन रहा था। कुत्ता फिर से कहा कि, लेकिन क्या करूं? मेरा भूख तो आधा ही मिटा और एक शेर यहाँ से गुजरेगा तो उसे भी मार के मेरा पूरा पेट भर लूंगा। कुत्ते की बातें सुनकर बड़ा शेर सोच में पड़ गया। ये कुत्ता आम नहीं, शेर का शिकार करके खा गया, अभी भी यहाँ पे रुका तो मेरे प्राणों को खतरा है। बोल के भयभीत होकर भागते हुए बड़े शेर को देख कुत्ता सांस लेके आराम से हंस पड़ा।
फिर पेड़ पे बैठकर एक बंदर सब कुछ देख के उसने यह सोचा कि महाराज शेर को मेरे मित्र बनाने के लिए और जीवन में आगे बड़े बड़े जानवरों से बचने के लिए यह अच्छा अवसर है। मैं अभी ये बात तुरंत उनको बताकर प्रशंसा लूंगी। उसने यह सोचते हुए शेर के पास गया। बंदर ने कुत्ते की धोखा देने वाली बात उसे पूरी तरह बता दिया। यह सुन के बड़ा शेर गुस्से से गरजा, मेरे साथ ही खेल क्या और मैं उसकी खबर लेता हूँ, चलो। बोल के शेर और बंदर कुत्ते के पास जा रहे थे। बंदर और शेर को कुत्ता देख बड़ा खतरा ही होगा। उसकी होशियारी से एक तरकीब सोची और कहा, हे यार बंदर, बड़े शेर को रहने के लिए बोलकर एक गंदा हो गया, तुम्हारी बातों में उलझा कर इसे मनवाने के लिए देर हुआ होगा। ठीक है, जल्दी से उसे यहाँ भेज दो, मुझे बहुत भूख लग रहा है। यह सब सुन के शेर कांपने लगा। बंदर ने उसके साथ विश्वासघात की सोचकर उस पर पंजा लड़ाकर पीछे ना देखते हुए भाग निकला। देखा ना मित्रों, हमारे आसपास ऐसे बंदर बहुत होते हैं। उन्हें पहचान कर सतर्क रहिए। और एक बात है कि चतुरता से बड़ा शस्त्र और कुछ नहीं। जादुई आम का घर। एक जंगल था जिसमें हाथी अपने इलाके का राजा था। वो बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था, उसकी नजर एक छोटे से बकरी के बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था। वो सोचने लगा कि वो क्यों रो रहा है। उसके पास गया, तब बकरी के बच्चे ने कहा, शेर महाराज, मेरी माँ जो मुझसे बहुत प्यार करती थी अब मुझसे दूर हो गई है। अब इतने बड़े जंगल में मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसीलिए रो रहा हूँ। उसे देखकर उसे बहुत तरस आया और वो उसे अपने साथ किसी और बकरी के पास ले आया और उससे कहने लगा, इस बकरी का कोई सहारा नहीं है, इसका ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। तुम इसे कुछ दिन के लिए अपने ही साथ रख लो, ये बड़ा होकर तुम्हारे बहुत काम आएगा। वो बकरी बहुत मक्कार थी पर राजा के डर से उसकी बात मान ली। महाराज, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगी। बेचारा बकरी का बच्चा उसकी बातों को सच मानकर उसके साथ ही रहने लगा। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद उसने अपनी मक्कारी शुरू कर दी। वो उससे खाना मंगाती थी और खुद आराम से खाती थी। जो कुछ बचा हुआ होता था वो उसे दे देती थी। वो और उसका बच्चा आराम से झोपड़ी में सोते थे और उसे बाहर सर्दी में सोना पड़ता था। अगर वो उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसे अपने सींगों से मारती थी। एक दिन जब वो जंगल से फल चुनने गया था तो उसे एक बड़ा आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे आम लगे थे। बहुत भूख लगने के कारण वो घर ले जाने के बजाय खुद पहले एक आम खा लेना चाहता था। जब भी आम तोड़ता तो वो वापस पेड़ से ऊपर चले जाता था। तब वो कहने लगा कि मेरी किस्मत में ही शायद ये आम खाना नहीं है। उसकी बात सुनकर आम के पेड़ ने कहा, ओ बकरी के बच्चे, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए तुमसे मजाक कर रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, मेरे जादू से मैं तुम्हारे लिए एक आम का घर बनाऊंगा जिसमें तुम आराम से जितना चाहे आम खा सकते हो। वो आमों में खासियत है, अगर तुम एक आम खा लो तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी और उससे इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम किसी से भी लड़ सकते हो। अचानक वहाँ एक बड़ा सा आम प्रकट हुआ। तब उससे देखकर वो हैरान हो गया कि उसमें कैसे जाए। अचानक उसमें से एक दरवाजा खुला, वो उसके अंदर गया और देखा कि उसमें बहुत सारे आम रखे थे। पेड़ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ।
एक आम खाते ही उसकी भूख खत्म हो गई और वो बहुत शक्तिशाली बन गया। वो अपने घर वापस आया। जैसे ही बकरी ने देखा कि वो फल नहीं लाया, उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसे मारने के लिए आगे आई। तभी उस बकरी के बच्चे ने उसे ही मार दिया, जिससे वो बहुत दूर उड़कर गिरी। उसकी ताकत देखकर उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। उस रात वो दोनों बच्चों को अंदर सुलाकर खुद बाहर सो गई। तब उसने उसे जादुई आम की कहानी सुनाई। अगले दिन सुबह होते ही वो आम के पेड़ के पास आई और उस पेड़ को झूठी कहानी सुनाने लगी। उसने उसकी बातों पर भरोसा करके उसे भी आम का घर दे दिया। वो जैसे ही अंदर गई, उसने इतने सारे आम देखे और कहा, उस आम के पेड़ की बात मैं क्यों मानूं? और कुछ दिन ही भूखी क्यों रहूं? मैं सारे आम खा लूंगी और जिंदगी भर भूख नहीं लगेगी और मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी, जिससे इस जंगल में मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। इतना कहकर वो सारे आम खाने लगी। उसने कुछ ही फल खत्म किए थे कि वहाँ एक भूत प्रकट हुआ। उसके पास एक लकड़ी थी, जिससे उसे बहुत मारा। वो उसे आम के घर में यहाँ वहाँ भगाने लगा। किसी तरह वो उस घर से भाग निकली और अपने घर वापस आ गई। और उस दिन से वो दोनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार करने लगी।